बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कोविड जैसी आफात से महफूज रखे। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग और आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चिकन अफगानी कढ़ाई। सो स्टार्ट करते हैं। पैन लिया, इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, 1 kg लिया है मैंने चिकन, 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन अफगानी कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसलिए मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है। इस पर दस मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। ये देखें हमारी चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे चिकन को। दो मिनट हो गए चिकन को फ्राई होते लहसुन अदरक डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसे अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से, और इसे कवर कर देंगे। दस मिनट के लिए हमने कवर किया था इसे, और ये देखें पानी भी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल गया है। टमाटर मैंने बड़े पीसेस में इसमें डाले थे ताकि इनका छिलका जो है वो बाद में निकालना आसान हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है। एक चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब शामिल करेंगे हम इसमें 1 प्याली दही। दही डालने के बाद मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, अदरक कटी हुई शामिल करेंगे।
अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। हमारी चिकन अफगानी कढ़ाई हो गई है तैयार। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, साथ लगी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।